नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल PPC लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एल्काइन होमोलोगस सीरीज। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कुछ मेंबर्स को एल्काइन होमोलोगस सीरीज के, और हम उन मेंबर्स का IUPAC नेम स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्टडी करेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्काइन होमोलोगस सीरीज के लिए क्या जनरल फॉर्मूला है। अगर हमें वो जनरल फॉर्मूला याद है तो हम उसकी मदद से किसी भी मेंबर को बना सकते हैं एल्काइन सीरीज के। सबसे पहले आप देखिए एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन, CnH2n-2। इसका मतलब आप समझिए, अगर हम n की जगह 2 रख देते हैं तो ये क्या बनता है H में, C2H22 4-2। इसको हम बोलेंगे इथाइल। आप यहां पे एक बात समझिए, जो YNE है I, ये लिखा जाता है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। YNE लिखा जाता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज होता है। आयन लिखा जाता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और आप समझिए AnE लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड के लिए। जहां पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वहां पे आता है एन, और जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है उसके लिए लिखा जाता है इन, ENE। और जो इथ है वो लिखा जाता है जहां पे दो कार्बन होते हैं। इसको एक हम अलग से वीडियो में स्टडी करेंगे कि सिंगल कार्बन के लिए यूज होता है, जहां पे सिंगल कार्बन होता है उसके लिए यूज होता है मिथ। आप लिख लीजिए इसको, डबल कार्बन होता है या जहां पे यानी दो कार्बन होते हैं वहां पे आता है इथ। तीन कार्बन के लिए यूज होता है प्रो। चार कार्बन के लिए यूज होता है ब्यूट, BUT, और पांच कार्बन के लिए यूज होता है पेंट। सिक्स कार्बन के लिए यूज होता है हेक्स। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप समझिए, अगर हम यहां पे N की जगह रख देते हैं 3, तो ये क्या बन जाएगा, C3H23+6-2 4, C3H4। इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल। हम दोबारा से लिख लेते हैं जनरल फॉर्मूला, और हम कुछ मेंबर्स को स्टडी करते हैं जिससे आपको टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। क्या होता है जनरल फॉर्मूला, CnH2n-2। तो अब आप देखिए, अगर हम यहां पे n की जगह लिख देते हैं 2, तो क्या बनेगा, C2H22+4-2, ये बन जाएगा C2H2। इसको हम लिखेंगे इथाइल, और हम इसको ड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं। अब दो कार्बन लिख दीजिए और H लगा दीजिए। आप जानते ही हैं कि एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, तो ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। इस कार्बन ने तीन बॉन्ड यहाँ पे बना दिए और एक H इसके साथ जुड़ गया, और इसी तरह से इस कार्बन ने तीन बॉन्ड यहाँ पे बन गए और एक H इसके साथ जुड़ गया। इस तरह से हम इथाइल को ड्रा कर सकते हैं। YNE मैंने बताया था उसके लिए यूज होता है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ये है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और इथ का यूज हुआ है जहां पे दो कार्बन आए हुए हैं। तो आप देखिए, अगर हम कार्बन की जगह लिख देते हैं यानी कार्बन हो जाएंगे 3, तो H कितना आएगा, 2-3+6-2 4, C3H4। इसको हम बोलेंगे प्रोपाइल, और इसको हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। आप सिंपली तीन कार्बन लिख लीजिए, और तीन कार्बन के साथ H4 है, तो आप इस कार्बन के साथ यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए और यहां पे 3H हो गए। तो अब आप देखिए, हमने 3H लगा दिए, और अब आप इनको काउंट कीजिए कि इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हैं या नहीं। 1 2 3 4, इस कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हैं।
अब आप इस कार्बन को काउंट कीजिए, इसके चार बॉन्ड पूरे हैं या नहीं, 1 2 3 4, इसके भी चार बॉन्ड पूरे हैं, तो जो एक एच बचा है वो जुड़ेगा यहाँ पे। आप इस कार्बन को काउंट कीजिए 1 2 3 एंड 4, तो इसके भी अब चार बॉन्ड पूरे हो गए। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। अब अगर हम कार्बन कर दें चार तो क्या होगा, C4H, तो आप देख सकते हैं 2 4 8 - 2 ये हो जाएगा 6। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल। तो अब आप इसको भी ड्रा कर लीजिए, इसी तरह से चार कार्बन को लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड के साथ पहले, फिर इस कार्बन के पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब आपको एच करने हैं 6, तो 3 तो इस साइड हो जाएंगी, ये आपको प्रैक्टिस से क्लियर होगा। अब आप इस कार्बन के बॉन्ड काउंट कीजिए, इसके पूरे हैं या नहीं, 1 2 3 4, इसके बॉन्ड पूरे हैं। अब आप इस कार्बन को देखिए, इसके दो बॉन्ड हैं, तो 2H इसके साथ लगा दीजिए, अब इसके भी चार बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के ऑलरेडी चार बॉन्ड पूरे हैं, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो अब आप एक एच जो बचता है वो यहाँ से जोड़ दीजिए और काउंट कीजिए, इसके भी चार बॉन्ड पूरे हो गए। इस तरह से हम ब्यूटाइन को विड्रा कर सकते हैं। अब तक हम इस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल, अब हम स्टडी करेंगे पेंटाइल। यहाँ पे पेंटाइल का क्या मतलब है, आइन का मतलब है, YNE का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, और पेंट का मतलब है पांच कार्बन। पांच कार्बन की वजह से यहाँ पे पेंट यूज हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन। अब वो हम इसको पेंटाइल को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं वो देखिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले पांच कार्बन को सिंगल बॉन्ड की मदद से आपस में जोड़ दीजिए। अब आप इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए और अब आप काउंट कीजिए कि किस कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हैं। अब आप अगर इस कार्बन को देखें तो इसके चार के चार बॉन्ड कंप्लीट हैं और इस कार्बन के भी चार के चार बॉन्ड कंप्लीट हैं। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या था, पेंटाइन का फॉर्मूला क्या था, C5H8, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एन की जगह 5 रख देते हैं तो एच कितने आएंगे, 2 5 10 - 2, ये आ जाएगा C5H8, और यही पेंटाइन का फॉर्मूला होता है। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे है 8H, यानी 8 हाइड्रोजन है, तो आप 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दीजिए और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब हमारे 6 हाइड्रोजन हो गए और इसके भी चार बॉन्ड कंप्लीट, इसके भी चार बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन के भी चार बॉन्ड कंप्लीट और इस कार्बन के भी चार बॉन्ड कंप्लीट, लेकिन हमारा ये जो कार्बन है इसके दो बॉन्ड ही कंप्लीट हैं, तो 2H यहाँ पे जोड़ दीजिए। इस तरह से हम पेंटाइल को भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।